विदर्भ के आराध्य माँ अनुसया इनके जीवन पर आधारित मराठी फिल्म आई अनुसया पारड सिंगा निवासी बनाई गई है। इस फिल्म के पोस्टर, गीत और ट्रेलर का लॉन्चिंग वसंतराव देशपांडे सभागृह में संपन्न हुआ है, जिसमें इस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी, उप महापौर मनीषा थावरे, विधायक तेगचंद सावरकर, हेमंत नागपुरे, फिल्म निर्माता अशोक खोड़े और अन्य मान्यवर उपस्थित थे। प्रमुख अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलन कर पोस्टर और गीत का लॉन्च किया गया। इस फिल्म में विदर्भ के 150 कलाकारों ने भूमिका अदा की है। इस फिल्म द्वारा अनुसया माँ की महिमा लोगों को बड़े पर्दे पर दिखाने का प्रयास किया गया है, ऐसा फिल्म निर्माता अशोक खोड़े द्वारा कहा गया। ये एक माता की कहानी है और एक सत्य कथा पे आधारित है। आपको शायद पता होगा पारड सिंगा के जो मंदिर है माता जी का, उनकी जीवनी पे फिल्म है और उनकी जो रियल लाइफ में जो भक्तों को जो उनका ये हुआ है उसी पे फिल्म बनी है। जी फिल्म अच्छी बनी है और जो माता के जो चमत्कार थे जिनको भक्त गणिए करते हैं वही फिल्म में दिखाया गया है और फिल्म रिलीज के बाद शायद मुझे लगेगा कि सब लोगों को पसंद आएगी और लोग ये करेंगे। माँ अनुसया फिल्म का जो है आज पोस्टर लॉन्चिंग और गाना लॉन्च हुआ है। हमारे साथ जो है हेमंत नागपुरे जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या पूरी जर्नी रही इस फिल्म के बारे में, क्या बताना चाहोगे। हाल ही में मराठी चित्रपट जो है माँ अनुसया माता, इसका जो आज पोस्टर लॉन्चिंग हुआ है, क्या बताना चाहोगे? आज का जो हा पिक्चर है मराठी आई अनुसया, हा पिक्चर मी आईचा खा भक्त आणि मंदिरात गेलो असता मला एक प्रपोजल मौनी महाराजांकडनं की असा आम्ही एक पिक्चर बनवत आहे, याच्याकरता तुमचं सहकार्य लागेल। तर ह्या सहकार्यामध्ये त्यांना मी सहभाग करण्याचं वचन दिलं आणि त्या यांनी आम्ही कामाच्या मार्गी लागलो। ज्यावेळेस आम्ही पिक्चरचं शूटिंग चालू करत होतो त्यावेळेस पुष्कळ सारे आमचे सहकारी याच्यामध्ये सामील होते, परंतु हळूहळू काही लोकांनी याच्यामधून वाट घेतली आणि जवळपास जिम्मेदारी माझ्यावर एकट्यावर आली आणि मी संकल्प केला आईला की हे जिम्मेदारी मी पूर्णपणे निभवेल आणि त्याप्रमाणे मी ते जिम्मेदारी पूर्ण निभवली आणि आजच्या परिस्थितीमध्ये पिक्चर आज रिलीजला आलेला आहे। याच्याकरता मी अनुसया आईचे खूप खूप आभारी आहे की तिने माझा संकल्प पूर्ण करण्यात माझी मदत केली। किती वर्ष म्हणजे किती कालावधी लागला आपल्याला हे चालू करायला? म्हणजे पिक्चर तर शूटिंग आम्ही 2 महिन्यामध्ये संपवलं पूर्ण, परंतु करोनाच्या काळामध्ये बाकीच्या गोष्टी होऊ शकल्या नाही। तर नंतर करोनामुळे नंतर आम्ही बाकीचं एडिटिंग आणि बॅकग्राऊंड म्युझिक वगैरे या गोष्टीकरता 2-3 महिने लागल्यानंतर आणि आता पूर्ण पिक्चर रेडी आहे आणि मार्चच्या शेवटी आम्ही तो रिलीज करणार याच्यात आहोत। दर्शकों के लिए क्या बताना चाहोगे कि अभी हाल जल्द ही जो मूवी है ये थिएटर में आएगी, क्या बताना चाहोगे? दर्शकों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि जिन्होंने माँ के लीलाएं देखी नहीं है जीवन के अंदर में, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो माँ की लीलाएं जो उन्होंने उस समय में जो भी भक्तों के लिए संकटों के अंदर में उनको जो भी मदद की है वो आज वो प्रत्यक्ष थिएटर में पर्दे पर देख सकते हैं। तो हमारे साथ हेमंत नागपुरी जी थे और इन्होंने बताया कि जो माँ अनुसया फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली है, ये जो माँ की फिल्म है, माँ की जो कहानियाँ हैं वो दर्शक जो है हमें फिल्म के जरिए वो देख सकते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, 20 CNN News नागपुर।